हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी साबूदाना बड़ा बना के तैयार किया, जो कि बहुत ही कम घी में बना है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से बनाती हूँ। उसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। इधर मैंने साबूदाना लिया है, भीगा हुआ साबूदाना है। आप कितना बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो उसके लिए साबूदाना लिया, साबूदाना ये देखिए ऐसे दबा रही हूँ ना, ये हलवा जैसा हो जा रहा है, मतलब कि साबूदाना हमारा अच्छे तरीके से फूला हुआ है। साबूदाना लेके 2-3 पानी धो के और पानी डाल के उसको भिगा दीजिए, कम से कम 4 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट भिगाना चाहते हैं तो ओवरनाइट के लिए, नहीं तो 4 घंटे के लिए भिगा दीजिए। तो साबूदाना इसमें डाल देती हूँ। एक हरी मिर्ची काट लिया, थोड़ा सा अदरक काट लिया, इसको भी डाल देती हूँ। हरा धनिया डाल देती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली लिया है। देखिए ऐसे करो ना, छिलका उतर जा रहा है, लेकिन इसका छिलका मैं नहीं उतारूंगी। ऐसे मैं मिक्सी जार में दरदरा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया, इसको डाल देते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगता है। 5-7 ब्लैक पेपर लेके मैंने इसे क्रस्ट कर लिया है। आप चाहिए तो पाउडर भी डाल सकते हो, इसको डाल देते हैं। टेस्ट के अनुसार मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि फास्ट में खाने के लिए मैं बना रही हूँ। आप चाहिए तो नॉर्मल डेज में भी बना सकते हो। 1 टीस्पून इसी में पिघला हुआ घी डाल रही हूँ। अभी सभी कुछ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जो आलू है ना, उसी आलू में ये अच्छे तरीके से डो फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए आलू मिक्स करते हैं साबूदाना में, ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। ये देखिए एक डो फॉर्म में ये मिक्स हो गया है। तो हाथ धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हाथ को अच्छे तरीके से धो लिया है, थोड़ा सा घी ले लिया है, हाथ में ऐसे लगा लूँगी ना, ये साबूदाना और आलू चिपकेगा नहीं हमारे हाथ में। अभी आपके पास जो अप्पे पैन होता है ना, वो कितना बड़ा है, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, उतने बड़े बड़े बॉल आप बना लीजिए अपने अप्पे पैन के हिसाब से। तो इस तरीके से ये लड्डू जैसे मैं ऐसे बना ले रही हूँ, ये देख रहे हैं ना, 2 बना लिया। इसी तरीके से सारे ही बना लूँगी मैं। तो इधर मैंने अप्पे पैन ले लिया है। अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा मैं घी डाल दे रही हूँ। आप जैसे नारियल का तेल या मूँगफली का तेल खाते हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी में इसे थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। गैस ऑन कर दिया, जो ये मैंने बना लिया लड्डू के जैसा, इसको इसी में से डाल देती हूँ। इसको मैं गैस को स्लो टू मीडियम पे रखूँगी। अभी ऐसे कवर कर देती हूँ और गैस को स्लो टू मीडियम पे रखूँगी। स्लो टू मीडियम गैस करके इसको मैं ऐसे 2-3 मिनट पकने देती हूँ। एक बार चेक कर लेती हूँ इसको। बहुत ही शानदार बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही कम तेल घी में बन के तैयार होता है, ये बहुत ही शानदार होता है। मैं इसको उलट के आपको दिखाती हूँ, दूसरी तरफ इसे घुमा देते हैं। देख रहे हैं कितना ये क्रिस्पी बन रहा है, कितना गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसी तरीके से सारे हमें ऐसे पलट देने हैं। और फ्रेंड्स, इसमें दोबारा से घी या तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें पैन में काफ़ी घी बचा हुआ है। तो बस ऐसे उलट पलट के इसको पका लेंगे ना, तो दूसरी तरफ भी ऐसे ब्राउन क्रिस्पी हो जाएगा और दोबारा इसमें घी तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो बीच में है वो एकदम से ब्राउन कलर में आ गए हैं ना, साइड साइड के नहीं आए, तो साइड साइड के भी हो जाएंगे, क्योंकि उसको हमें ये देखिए जैसे ये देखिए अभी इसको ऐसे घुमा देंगे ना, तो दोनों तरफ से मतलब सामने से साइड से हर जगह से ये ब्राउन ही हो जाएगा। अभी दूसरी तरफ कवर नहीं करूँगी, ऐसे खुले में पकाऊँगी, नहीं तो क्या होगा, पैन का जो कवर करते हैं ना, उसका पानी जो लिड से टपकता है उसके वजह से फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार इसको फिर से पलट दिया है। बस इसी तरीके से पलटते पलटते इसको हमें ब्राउन कर लेना है। ब्राउन हो जाएगा तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, सबको पसंद आएगा। तो देखिए साइड साइड वाले भी ब्राउन हो रहे हैं ना, क्योंकि कौन से गैस पे हम रखें उस पे डिपेंड करता है। गैस को स्लो टू मीडियम पे रखी हूँ ना, तो इसलिए जो बड़े वाले गैस पे स्लो टू मीडियम पे रखेंगे तो अच्छे तरीके से क्रिस्पी होगा। ये देखिए जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे अलट पलट के पकाएंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, सारे हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे तरीके से पक चुके हैं, क्रिस्पी भी बहुत अच्छा हो गया है। अभी गैस बंद कर देती हूँ और इसी पैन में ऐसे रहने दूंगी। तब तक इसके लिए एक स्पेशल सी चटनी बना के तैयार करती हूँ, व्रत वाली चटनी। बनाने के लिए मैंने वो चटनी वाला जार ले लिया, जिसमें अभी मूँगफली मैंने ग्राइंड किया था ना, वही जार ले लिया है। इसी में कच्चा नारियल डाल देती हूँ, जो चटनी वाला नारियल आता है। थोड़ा सा मिंट ले लिया है, इसको डाल देती हूँ। एक हरी मिर्ची ले लिया है, थोड़े से अदरक ले लिए हैं, ढेर सारा हरा धनिया ले लिया कटे हुए। 4 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून वही रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ। आप नींबू का जूस डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसकी चटनी में बना लेती हूँ। ये चटनी मैंने ग्राइंड कर लिया है, व्रत में खाने के लिए शानदार सी चटनी बन के तैयार हो गई। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरा ये साबूदाना बड़ा बन के तैयार हो गया, बहुत ही कम घी में बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा, हेल्दी भी है क्योंकि घी का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। आप लोग भी बनाइए, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।